एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके बीच में सीधा अब डिनर पे, क्योंकि बीच का मैं शूट नहीं कर पाया था, आधे रास्ते में सो भी गया था और कुछ अच्छा भी नहीं लगा क्या शूट करना ट्रेन का, तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो इधर बैठे हैं हमारे साथ नितिका, इधर है विनू एंड कनिका। तो जल्दी जल्दी खाते हैं और करते हैं फिनिश। ये भी ये सब्जी है भैया, खाओगे? ये है वीरेंद्र। स्टेशन कौन सा है भैया? तो ये हमें दही मिली है, रत्नागिरी पहुँचे भाई, अभी बहुत है। सेम कहाँ पहुँचे भाई? रत्नागिरी ब्रो, गिरी तो गिरी, किससे गिरी ब्रो? खा लो आप ही खाना। ओके तो चलो करता हूँ अपना डिनर फिनिश और मिलता हूँ अब बाहर। तो फाइनली हम जा पहुँचे हैं मैंगलोर जंक्शन और यहाँ से बस पकड़ेंगे अब, और बस का वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, और तब तक यहाँ बैठते हैं हम। तो बने रहिए, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे साथ बैठे हैं अपने कुरसोक वाले और ये तरंग वाले सेक्सी बंदे, और कुछ लोग उधर भी बैठे हैं पीछे। और सारे बंदे उधर बैठे हैं, तो आज तो लोग बना दिए और रही है, आज मोटे सेक्सी लगे हैं बंदे हैं, आज लोग बना दिए हमने लोग, आज तो बंदे खत्म आ गए भाई। तो हमारी बसेस जो है आ चुकी है, अब हम इनमें यहाँ से जाएंगे, लगभग 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर चलना है यहाँ से। और ये अपनी जर्नी स्टार्ट, और ये हमारे पीछे अजय, इस टाइम इस बस में अजय 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 सर खड़े हैं। सर बैठ जाओ। दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, आस पास में रहूंगा जिंदगी भर, आओ तू उदास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में, ऐसा दिख रहा है। और ये हमारी बस लगी अभी हमारे रुकने का जो स्थान है वो कहीं और है, यहाँ पे मे भी गर्ल्स रुकेगी, हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। तो यहाँ ठहरने वाले हूँ ये, और यहाँ पर सभी ने अपना लगेज उतार दिया है, और ये सारे हिमाचल के आज का ब्रेकफास्ट पता नहीं क्या क्या है, नो आइडिया। सूजी का हलवा एंड पोहा। ओके ब्रो थैंक यू। भाई कैसा है? भाई कैसा है? सांबर कैसा है? सांबर मतलब ये ही मिला था वहाँ भी। ओके ब्रो, मुझे तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा भाई इसको। तो सर अभी खा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, कुछ इधर बैठे, ये कॉलेज के जो यहाँ की कैंटीन है, मायूस एकदम, क्योंकि यहाँ पे मिला है उपमा खाने को, साथ में मिला है क्या उपमा के साथ मिला था कुछ सूजी का मिला था कुछ अजीब जैसा था वो दोस्तों। तो चलते हैं। तो
अपना ब्रेकफास्ट करके हम आ चुके हैं, अब उल्टी पिज्जा वापस जाएंगे। अब थोड़ी देर वेट करते हैं सभी का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खतरनाक, बड़ा मस्त, क्या ही बोले, गंदा। ऐसा लग रहा है कि कुछ सूखे पत्ते खाए और कुछ खिचड़ी सी थी कुछ। दोस्तों आसान भाषा में बोलूँ तो हमारे को बीड़ के पास दिए थे तल के, और सूजी के लिए क्या था वो, सूजी पता नहीं क्या था यार। सूजी तो अब सूजेगी तो अब खा के 12 दिनों बाद सूजेगी, अब सूखेगी। तो बने रहिए ब्लॉग में दोस्तों, आपको ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहेंगे यहाँ की चीज़ें। और ये अपने कसूर वाले भाई लोग एकदम फ्रेश होने के बाद अब थोड़ा घूमा जाए, थोड़ा कैंपस में घूमते हैं इधर उधर। अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा फील हो रहा है। तो मेरे साथ है अंकित और वीरेंद्र। अब दिखा दूँ आपको थोड़ा सा कॉलेज कैंपस। ला 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 ला। तो ये रहे। Hi, I'm from Himachal. Nice to meet Hi. you. You're from? Me too. I'm also from Himachal Pradesh. Okay. Yeah. Hi. Yes, Miss Kanika. If you are visiting cafeteria, please try this. This is so yummy. This called Kanika. What is this? Kisar se pehle main ne khai aur taste bataya sir. Bata do. Niche panjbe ki le lena. Okay. Bye bye. I'm just coming. Niharika. ये है निहारिका। बीच पे जाना हो, चलो। कब? अभी नहीं जाना, अभी नहीं बोला कुछ भी नहीं। सो अभी चलते हैं यहाँ से, घूमते हैं नीचे, कुछ खाते हैं वहाँ, लेते हैं कुछ बढ़िया। अभी नहीं किया यार। तो ये देख सकते हैं आप कितना सही कैंपस है, एकदम ब्यूटीफुल यार, एकदम मस्त, एकदम घचा घच। ओ वाओ, अपने बंदे। ये है मीनाक्षी, ये खा रही है चुस्कियाँ। चुस्की नहीं है भैया। What is this? It's a mix stick and it's so tasty. Really? Only for rupees 5. Okay, I will try. ओ भाई लग गए। चलते हैं अब लंच करने। लगभग 1 बज चुका है, 1 बजे हमारा लंच हो रहा है। तो अभी हमें ऊपर आगे तक जाना है, जो जहाँ पे हम ठहरे हैं हॉस्टल में वो थोड़ा दूर है यहाँ से, लगभग 2 मिनट लगते हैं चलने में। तो बने रहिए व्लॉग में, इंजॉय करते रहेंगे। अभी इंजॉय का टाइम नहीं आया है, देखते हैं कभी जैसे में हम इंजॉय करेंगे और डांस करेंगे, नाटी पाएंगे बढ़िया वाली। गर्मी लगभग ठीक ही है, मे बी 23 या 24 यहाँ का टेम्परेचर है अभी, ऐसा लग रहा है मुझे। सो बने रहिए ब्लॉग में। और आज लंच में एक्सप्लोर कराऊंगा यहाँ का फूड कि कैसा है, कैसा मतलब न्यू फूड खाने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली पहले तो अच्छा नहीं लगेगा, बट बाद में आदर्श ही हो जाएगी 1-2 दिन में। सो बने रहिए। हमारा लंच है, न्यू चीज़ें हमें आज खाने को मिल रही है। उधर चने हैं, इधर दाल है, इधर सब्जी है, ये पापड़ है आई थिंक, और चावल मिले हैं। तो सभी जो है यहाँ बैठ चुके हैं, तो आइए अब खाते हैं और टेस्ट करते हैं, और आप आपको बाद में बताता हूँ कि कैसा है। प्लेट तो बड़ी सही लग रही है, देखिए बड़ा फुर्ती। और हमारे साथ सर भी है, और क्या, और आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं और खाना खा रहे हैं। स्काउट्स एंड गाइड, रोवर रेंजर, देख सकते हैं आप, एकदम बड़ा मस्त। बोलते इसको एक बार फिर से, हड़के मारा, हड़के मारा। ये जो ट्रीज है, जो ये पौधे हैं, ये है हड़के मारा, इसको okay. सुपारी बोलते हैं, सुपारी। ओके ब्रो, थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। इधर ये ऑडिटोरियम यहाँ पे लगने वाला है, इधर से लेकर उधर तक लगभग 40,000 लोग यहाँ पे आने वाले हैं, और अभी तक यहाँ पे लगभग 2% लोग भी नहीं आए। यहाँ थोड़ा सा सामान हमें गर्ल्स हॉस्टल तक पहुँचाना है। ये रहा यहाँ का पूरा कैंपस, ये देख सकते हैं आप, जो उधर का एरिया है वो स्टेज है सारा, यहाँ से अभी स्टेज लग रहा है उधर आगे तक, और वहाँ पे बैठेंगे जितने भी कॉलेज से, जितने भी स्टेट से रूबन एंड रेंजर्स आएंगे, सभी वहाँ बैठेंगे। और उधर अभी ट्रायल हो रहा है मार्च पास का,
नाइस। और यहाँ कुछ ऐसा व्यू दिखता है यहाँ से, और ये है गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे, और एक बिल्डिंग और यहाँ पे मैं हूँ, और ये हमारे साथ प्रमोद। अभी अगले इलेक्शन में वोट पे खड़ा हो रहा हूँ, तो आप सभी का सपोर्ट करें। आप सभी को मैं यहाँ घुमाने लेने आऊँ, घुमाने को दाढ़ी पिलाने ले आऊँगा। बिल्कुल, वे बगीचा देख सकते हैं आप फूलों का। सेक्शन चला हुआ है, वीडियो है, इंस्टाग्राम पर। तो एंजॉय, यहाँ पर भी कर्सोग वाले ने धूम मचा दी है, और ये अब लाइट चलने लग चुकी है। ये देखिए कितना बहुत सही लग रहा है, अब कुछ देर में सारी लाइट्स जो है ऑन हो जाएगी। खतरनाक एंजॉय, का दिन बहुत अच्छा रहा। तो करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारा बेड पे लग चुका है, मैं साइबर के साथ सोया हूँ। साइबर जी कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? शुरुआत बहुत हल्की हल्की भी मन उठ चुका था, लेकिन दिन ढलने के साथ साथ मन भी लगता रहा, माहौल बनता रहा, और खाना भी अच्छा होता रहा। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अब कल एक नए ब्लॉग के साथ, नए एनर्जी के साथ। बाय बाय, टाटा, गुड।